उठाना है हम लोग इसके लिए सबूत दिखा सकते हैं, बुझिए गैर चालू है इससे हम बंद कर लेंगे। तो जैसे गैस का फायर जो होता है तो उसमें फ्लेम फ्लेम आपको अचानक लगने लगता है, लोगों में डर होता है कि नहीं गैस में फ्लेम आ रहा है भागो, तो इसको आप लीकेज रोककर इसमें मैंने नीचे भी बताया था कि आग लगने के लिए तीन चीजों की आवश्यकता होती है, एक जलने वाली वस्तु जो ईंधन का एलपीजी ईंधन का काम करता है, दूसरा है हीट और तीसरा है ऑक्सीजन। तो यहाँ हम इस माध्यम से ऑक्सीजन को कट कर रहे हैं, ऑक्सीजन कट करने के बाद ईंधन और जलने वाली वस्तु में हीट भी कम हो गया और ईंधन को मतलब तीन चीज में एक चीज को हम हटा दे रहे हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई हम रोक दे रहे हैं और इससे आग ऑटोमेटिक बुझ जा रही है। और इसमें हमारा ये माध्यम है, हम ये आपको बतला रहे हैं डेमोंस्ट्रेशन के लिए, आपके घर में हो सकता है इससे अलग फायर हो सकता है, चूल्हे में आग लगा हुआ हो या फिर रेगुलेटर के पास आग लगा हुआ हो, तो इसमें क्या करना है, इसमें मेन चीज ये है, ध्यान देने वाली बात यह होगी कि लीकेज आपको देखना है कि लीकेज कहाँ से है और उसमें ऑक्सीजन का सप्लाई को पूरी तरह मोटे कंबल के थ्रू मिट्टी के तरफ गीली मिट्टी के थ्रू या फिर जैसे भी उस लीकेज को आपको बंद करना है। आप बंद करने के बाद आप रेगुलेटर के माध्यम से आग के गैस के सप्लाई को रोकिएगा और बाहर की जो ऑक्सीजन जो आग में है उसे बंद करने की कोशिश कीजिएगा जिससे आग वो कंट्रोल हो जाएगा। और जैसे आप आग लग जाती है इसमें आप डर तक भाग जाते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें अगर बगल चारों हीट इसके जो आग से जो हीट से चारों तरफ के सामान जो हीट हो जाते हैं, हीट होने से ये दबाव के साथ भराव पर रहता है इसमें एलपीजी गैस और प्रत्येक 273 डिग्री सेल्सियस पे अगर 273 डिग्री सेल्सियस पे इसका आयतन बढ़ जाता है, डबल हो जाता है दुगुना। और वही आयतन जैसे गैस में सिलेंडर यहाँ लगा हुआ है चारों तरफ किचन में आप छोड़ के भाग गए गैस फायर हुआ है और चारों तरफ किचन में और भी फ्रिज है बर्तन फर्नीचर है सामानों में आग लग गई है इनके कारण, और उसके बाद ये इसका जो टेम्परेचर बढ़ेगा 273 डिग्री में इसका आयतन डबल हो जाता है और डबल होने के साथ आपका सिलेंडर गर्म होने से इसका भी कैपेसिटी कम होता है, लोहा गर्म होने से कमजोर होता है और आयतन गैस का आयतन बढ़ने से वही ब्लास्ट का काम करता है। तो इसलिए जब भी गैस में कभी फायर हो तो हमको कोशिश करना है कि उसको हम कैसे कंट्रोल करें, और दूसरी चीज है सिलेंडर को हम कोशिश करेंगे ठंडा करते रहने का पानी के थ्रू जैसे भी हो। और पहले तो सबसे पहले हमारा यह उद्देश्य रहेगा या फिर मोटिव रहेगा कि नहीं आग को हम कैसे कंट्रोल करें, और ये हमारा वक्तव्य हो गया इसलिए कि गैस को कैसे कंट्रोल करें और अपने संपत्ति को बचाएं। लेकिन अगर हम देखें कि नहीं गैस ज्यादा विकराल रूप ले चुका है और हमसे कंट्रोल नहीं होगा तो दूसरा ऑप्शन है कि आप जितना जल्दी हो उस जगह को छोड़ के सुरक्षित बाहर निकल जाए, ताकि आप जब संपत्ति की नाम नहीं बचा सकते तो कम से कम जान बचा लें, क्योंकि आजकल ऐसा कंडीशन हो जाता है कि जैसे आग लग जाती है आग जब बढ़ जाती है तो आपका इलेक्ट्रिक सप्लाई बाधित हो जाता है, उससे आप लिफ्ट भी यूज नहीं करना चाहिए, वैसे कंडीशन लिफ्ट यूज नहीं कर सकते क्योंकि उससे धुआं भी फंस सकते हैं, लिफ्ट बंद भी हो सकता है और धुआं भर सकता है उसमें और उससे भी जान माल की क्षति हो सकती है। इसलिए फायर के केस में फायर एक्सीडेंट में लिफ्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज है आपको जितना जल्दी खुले स्थान में या तो छत पर चले जाइए, अगर संभव तो नीचे जाना हो तो नीचे निकलकर अपने जान माल की क्षति अपने जान को बचाना चाहिए। और दूसरा चीज है जैसे धुआं में अगर फंस जाते हैं आप लोग तो इसमें क्या करना है, अगर रूम में कहीं धुआं फैल गया आग लगी है, जरूरी नहीं कि आपके यहाँ आग लगी है तो सिर्फ आपके यहाँ तक ही रहेगा, सिर्फ वो हो सकता है कि अगर बगैर की फ्लैटों में गली में धुआं फैल गया तो उसमें क्या करना है, उसमें हमको कूलिंग कर दिया जितना नीचे होके सड़क कर निकलने की कोशिश करना है, क्योंकि जो धुएं का ये होता है हवा से वो हल्का होता है, हवा से हल्का होने के कारण धुएं एक जमीन से एक दो फीट ऊपर उसका घनत्व ज्यादा होता है, तो अगर हम ऐसे दौड़ते भागेंगे खड़े रूप में भागेंगे तो उसका जो असर हमको ज्यादा पड़ेगा।
और वही हम अगर नीचे लेट के भागेंगे क्रोलिंग करते हुए निकलेंगे तो धुएं का असर हमें मतलब उतना ज्यादा नहीं होगा जिससे हम निकल कर भाग सकते हैं। वास्तव में क्या होता है कि जैसे आग लग जाती है कहीं धुआं बढ़ जाता है, लाइट कट जाती है, अंधेरा हो जाता है, तो आदमी जैसे तैसे भागते हैं, खड़ा होकर भागते हैं, तो उससे वैसे कंडीशन में दो मिनट भी आप उस जहरीले धुएं पे बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन अगर लेट कर आपको मुंह में रुमाल बांधकर निकलने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, उससे आप अपने आप को आसानी से सुरक्षित बाहर निकाल पाइएगा। और इन सब बातों को ध्यान में रखकर नाली का टूट जाएगा वो जैसे आपका फिक्स फायर इंस्टॉलेशन जो है उसको ऑपरेट कैसे किया जाए। जैसे हमने नीचे ये बताया कि आशीर्वाद टाइप धनबाद में जो आग लगी हुई थी उसमें कुछ लोगों ने ट्राई किया था, ऑपरेट करने का ट्राई किया था, लेकिन शायद उनको पता नहीं था ब्रांच वगैरह जो होज वगैरह होता है वो खुला हुआ था, लेकिन वो उसको यूज नहीं कर पाए तो वो कोई काम नहीं ले पाए उससे। तो इसलिए कम से कम बेसिक नॉलेज आपका जो लगा हुआ है उसको आप यूज कर सके, इसलिए बेसिक नॉलेज डेमोंस्ट्रेशन के माध्यम से या मतलब जैसे अभी सभी को होना चाहिए। आप सिक्योरिटी के भरोसे नहीं रह सकते, सिक्योरिटी आपके पास में छठे तल में अगर आग लगती है तो आप ऐसा कंडीशन हो जाता है, जब लगता है तो हम लोग बहुत सारे देख चुके हैं, भगवान ना करे कहीं ऐसा हो, लेकिन दुर्घटना को कोई नहीं बोल सकता है कब क्या क्या हो सकता है, इसलिए हमेशा हम लोगों को तैयार रहना चाहिए इसके। तो इसके लिए हम यही चाहेंगे कि सभी को बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि कैसे हम जो इंस्टॉलेशन है उसको यूज कर सके। पानी वाला दिखाइए, पानी वाला दिखाते रहिए। अब देखिए आगे जो गूंज लगी हुई है तो हम चादर से बुझा दिए तो ठीक है, यदि चादर से नहीं संभव हो सके उसको सीधे आप पकड़ेंगे। बुझ गई यार, अब इसको क्या करना है, धीरे सुखा लेना है, गैस कैसा लगा ये मैं अगर इस समय भी लगेगा आप तो अभी उसको डुबा सकते हैं, ताकि लीकेज रहता है वो लग जाता है, लग गया अगर मान लिया उसको डुबा दिए, पानी डुबा दिए, कोई टब है कपड़ा धोने वाला उसमें भी डुबा दीजिए, डुबा के छोड़ दीजिए, गैस लीक होते रहेगा आपको आग नहीं लगेगी। आग बुझ गई और गैस ज्वलनशील है वो खत्म हो गया, पानी उसके अलावा जैसे आग बुझे उसके बाद रेगुलेटर के माध्यम से जैसे भी हो मान के चलिए लीकेज है वो उसको बंद भी करना है, बंद भी करना, एलपीजी की प्रकृति होती है वो हवा से भारी होता है, वो जमीन में ही आपका थक्का थक्का होकर जमा हो जाता है तो वो भी रिस्क होता है। तो जैसे आग अगर बुझ जाती है तो लीकेज को बंद कर देना है, और जैसे आग अगर नहीं बुझ पा रहा है तो इसको नहीं उसके अलावा भीज के इसको बाहर खुले स्थान में निकाल के छोड़ दिए उसको जल्द ही खत्म हो गए वो भी उसको किया जा सकता है। अच्छा एक चीज और देखिए, बहुत अच्छा चीज बता रहे हैं, किन्हीं को मालूम हो या नहीं हो इसमें डेंसिटी देखे तो कहाँ है, कुछ बताइए डेंसिटी इसका कहाँ है, ये लिखा हुआ है होगा, डेंसिटी इसको कहा जाता है ये 26 के बाद यदि 27-28 में जाए आपके यहाँ आगे तो आपको गैस नहीं लेना, नहीं लेना है, नहीं लेना
बोलेगा कि एक्सपायर हो गया सिलेंडर, सिलेंडर सिलेंडर का टाइमिंग एक्सपायर है, वो लिखा होगा ये ए बी सी डी, ए मार्च का, बी जून का, सी अगस्त सितंबर का, ए हो गया दिसंबर का, 26 ए बी सी डी तीन तीन महीना का सिलेंडर बनाया हुआ है और 26 साल दिया हुआ है, 26 साल तक तीन तीन महीना का सिलेंडर का एक्सपायरिंग है, 2026 तक का यूज करा जाता है, 2026 दिसंबर तक इसका ये है तो दिसंबर तक हो गया समझ गए। अब देखिए आदमी धुआं पी जा रहा है उसको बचाना, तो धुआं लग गया मतलब धुआं भर गया तो घबराना नहीं है, सीधे जमीन में लेट गया, एक से डेढ़ फीट में धुआं है जो मेरे पास है, देखिए मेरा एक आदमी जाएंगे निकालिए निकालिए, देखिए आइए आदमी बेहोश है धुआं गिरा हुआ है, सर देखिए वो धुआं में गिरा हुआ है बेहोश पड़ा हुआ है और मेरा आदमी जगह निकाल देते है आपको अभी बांधना नहीं है इसे ही नहीं यहाँ घुसने का प्रक्रिया यही है, और देखिए हमको यहाँ डेमोस्ट्रेशन दिखा रहे हैं लेकिन हमको धुआं के चलते या अंधेरे के चलते हमको कुछ दिख नहीं रहा, यहाँ दिख नहीं रहा कर सकते हैं, देखिए वो खोज रहे हैं, जब भी हम लोग फायर में जाएंगे तो बाहर साइड से सारे दीवार से पकड़ के खोजेंगे, वो आदमी ये प्रक्रिया है आपको बाहर से निकालने का, हाथ बांधने से क्या है कि छटपटाएंगे तो उसका भी इलाज होता है, लेकिन यहाँ तो छटपटाना नहीं है, बहुत देर से गिरा हुआ है, हम निकाल सकते हैं इसको घसीट कर, और उसके अलावा जैसे आपके पास कोई स्ट्रेचर नहीं है तो घायल पड़ा हुआ इंसान है तो उसको आप कैसे उठाइएगा, घायल हो चुका है तो उठा के चलाना है, हट जाइए अगर आपको ऊपर देख के चलिए।